मजदूर भाइयों को यह लगता है कि मैं मसला हल कर सकता हूं, तो राष्ट्रवादी भवन के 43 पैदरी चढ़कर आना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझको क्या करना है। यह शहर के अंदर कुछ भी हुआ, उसे एक आदित्य कहा है, मेरे नाम लिए बिगर अखबार की भी कोई न्यूज आगे नहीं बढ़ रही है और न इनकी सियासी दुकान भी आगे नहीं चल रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक वर्कर को, एक राष्ट्रवादी पार्टी के एक वर्कर को, मेरे चाहने वाले को अगर हिम्मत है उसको हाथ लगा के बताना, हाथ लगा। तुम्हारे एमएलए की कितनी इज्जत है इस विज्ञान से पूछ लो जाकर। इस विज्ञान ने खुद गवाही दिया के सामने, तुम मंत्री से बात भी नहीं कर रहा था। हम बोले हजरत के साथ गए तो बाद में दादा उसे आए, पता है ना, मैं कागज का फूल फेंकूंगा, मेरे वर्कर को हाथ लगा तो कागज का फूल ही आएगा। यकीन जानो आप लोग आठ सीट यहां से निकाल कर दो, बाकी शहर के अंदर मैं 32 सीट के ऊपर मेहनत कर रहा हूं। और अल्लाह ने कार्पोरेटर भी बनाया, मेयर भी बनाया, कांग्रेस की भी सदर रहा, राष्ट्रवादी का भी सदर हूं, एमएलए भी बना, और सिर्फ मालेगांव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमान मेरी चर्चा करते हैं। इतनी इज्जत अल्लाह ने रखा क्या? अभी शहर बंद है, कारोबार बंद है, पावर रूम 8 दिन के लिए बंद का ऐलान किया गया, मुझे उसके अंदर बहस में नहीं जाना है। लेकिन हमारे बुनकर भाइयों ने अभी विधानसभा के अंदर मीटिंग, वहां पर कुछ मजदूर चले गए और उन्होंने जो भी हंगामा किया, और उसी दिन से शेख आसिफ की साजिश, शेख आसिफ की साजिश है, शेख आसिफ ने भेजा। मैं बहुत हैरान था, न मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं, न इनके खिलाफ बोल रहा हूं, न इनके फेवर में बोल रहा हूं, न इनके फेवर में बोल रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह शहर के अंदर कुछ भी हुआ तो शेख आसिफ कहां थे, मेरे नाम लिए बिगर अखबार की भी कोई न्यूज आगे नहीं बढ़ रही है और न इनकी सियासी दुकान भी आगे नहीं चल रही जब तक मेरे नाम नहीं थे। आज मुझे कुछ नहीं बोलना है कि मजदूरों को बन का पगार मिलना चाहिए, मैं आज नहीं बोलने वाला। उनका कितना परेशान है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पावर रूम ही नहीं है, मेरे पावर रूम है ही नहीं और मैं भुनकर भी नहीं हूं, मुझे आज कुछ नहीं बोलना है। मेरा यह मानना है कि शहर के भुनकर भाइयों ने और शहर की आवाम ने जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में भेजा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि मसला हल होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर भुनकर भाइयों को या मजदूर भाइयों को ये लगता है कि मैं मसला हल कर सकता हूं, तो राष्ट्रवादी भवन के 43 पैदरी चढ़कर आना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझको क्या करना है। आज मुझे कुछ नहीं बोलना, शहर में कुछ भी हुआ तो शेख आसिफ का हाथ है, शेख आसिफ ने ऐसा किया, शेख आसिफ ने वैसा किया। ये तो ऐसा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो हिंदुस्तान का नाम लेता है और शहर में कुछ होता है तो सब शेख आसिफ का नाम।
सोच रहा हूं कि क्यों मेरा नाम लिया जाता है, क्या वजह है, इतनी दहशत मेरी क्यों है, मेरे नाम से इतनी हसद क्यों है। मेरा सिर को साफ मानना है, मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूं, ना किसी के बीच में बोलता हूं, ना मैंने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा हूं। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी ताकत मेरे सामने खड़ी होती है। असेंबली के अंदर आपने देखा कि बहुत बड़ी ताकत खड़ी हुई, चाहे हैदराबाद की ताकत, चाहे शहर के मेरे खिलाफ में सब लीडरान या कई कार्पोरेटर, और कभी न कभी मैंने उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे लोग भी मेरे खिलाफ में जाकर खड़े हो गए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने उन लोगों को फायदा पहुंचाया, और आज असेंबली में हारने के बाद भी कई लोग मुझसे फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको फायदा वापस पहुंचाना चाहिए, तो वापस मैं फायदा पहुंचा रहा। लेकिन मेरे खिलाफ में इतना महत्व क्यों खड़ा होता है, या अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, फिर बयाना जाना शुरू हो गए कि हम एक बहुत बड़ा महत्व तैयार करेंगे। इसका मतलब कि तुम बहुत ताकतवर हो, यानी मैं और आप बहुत ताकतवर हो, इसका मतलब यह होता है कि हमारे खिलाफ में इनको एक होना पड़ रहा है, या हमारा मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ भी अकेला मुकाबला नहीं कर सकते, वन बाय वन नहीं लड़ सकते, इनको सबको एक साथ होना पड़ रहा है, एक साथ आना पड़ रहा है। किसी को हक नहीं है, यहां तक कि जनता दल को भी हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा शरद पवार साहब की तारीफ की है और दोस्ती निभाई है। शहर के एमएलए को भी हक नहीं है राष्ट्रवादी को बुरा बोलने का, क्योंकि वो खुद राष्ट्रवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर चुके और सदर रह चुके, और जो लोग इनके बच्चे राष्ट्रवादी पार्टी को खिलाफ बोल रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम भी राष्ट्रवादी के सदर रह चुके, उनके भाई भी रह चुके, उनको भी कोई हक नहीं है राष्ट्रवादी को बुरा बोलने का, इनको हक ही नहीं है कि राष्ट्रवादी के खिलाफ बोले। राष्ट्रवादी पार्टी मुस्लिम दुश्मन पार्टी बोला जा रहा है, और राष्ट्रवादी के एहसानात इतने हैं उन लोगों पर जो उनको तो सही मानों में हक ही नहीं बोलने का, ये ना बोले तो वैसे तो मेरे उनको उन लोगों को बचूंगा। ये तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और जब मैं बोलूंगा तो बहुत खराब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी को बुरा बोलना बंद हो जाना चाहिए शहर के अंदर। बहरहाल मैं सोच रहा था कई दिनों से